अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोए सभ्यसाऊणं। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूजनीयापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, शिक्षा के आधारभूत सभी लोग जानते हैं, विद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय होता है। अब ऐसे शिक्षा के और कौन से भी आलय हैं जिनसे कि शिक्षा प्राप्त होती, शिक्षालय कहलाते हैं। तो ऐसी चार वस्तुएं हम आपके सामने रखते हैं। चार वस्तु इसलिए रख रहे हैं आपके सामने कि आज 3 जनवरी 3-1, और 3-1 कितना होता है? 4 होता है। और आज अभी समाचार बताया यहाँ के अध्यक्ष जी ने कि 4 पिछी और बढ़ने वाली इस क्षेत्र में, और उस समय जिस समय कवि महोदय ने कहा कि अच्छा समय आने वाला, अच्छा समय आने वाला है, तो मुझे घटना याद आ गई कि जिस समय लक्ष्मण के लिए शक्ति लग गई थी, और उस समय जब बताया कि कैसे क्या होगा, तो उस समय इसकी विशल्या के उससे दूर होगी, ऐसा आपने पढ़ा होगा पंद्रह पढ़ना। और जैसे जैसे वहां विशल्या का वहां आना हुआ था, पूर्व अनंगसरा थी, तपस्वी थी वो, और उसने सल्लिन का मन किया था, तब उसके रिद्धि एक बार से प्राप्त हुई थी कि उसके जल से भी लोग ठीक हो जाते थे। उसका जैसे ही वहां आना होता है और धीरे शक्ति भी अपने आप दूर हो जाती है कि ऐसा संयोग मिला है, कि ऐसा योग मिला है, कि वैसा हुआ। और जब आपको मालूम होना चाहिए कि जब लक्ष्मण घबरा रहे थे श्री कृष्ण जी के साथ में अर्जुन थे कि इतना महाभारत युद्ध कैसे क्या होगा, तब श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन के लिए, अर्जुन चिंता मत करो, हमको दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए हैं, अब सफलता तो निश्चित है। ये भावना भावना चाहिए, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग होती है तब ये काम होता है। ऐसा सही हुआ, हम सबको देखने मिला है। और हम जब सुबह दर्शन वहां गए स्वच्छ क्रिया के लिए, तो मुझको मैंने देखा कि आज आसमान एकदम खुला हुआ दिख रहा था, बदल छटे हुए थे, और सामने से लाल लाल सूरज एकदम उग रहा था, प्रकृति भी हमारे सबके साथ में थी। ऐसा माहौल शुभ आगमन होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। तो वो शिक्षा की बात, चार कौन सी ऐसे स्थान है, चार शिक्षालय होते हैं। तो पहला होता है जेल। जेल शिक्षालय बनता है, कैसे बनता है? क्योंकि जेल किसको प्राप्त होती है? जेल में कौन जाता है? बहुत है, जो पाप आदि क्रियाएं करता है, 5 पाप करता है, व्यसन आदि करता है, और कोई भी ऐसे लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ ऐसे घटनाएं करता है, उस वो अपने आप में उसको जेल की सजा हो जाती है, क्योंकि दंड व्यवस्था की व्यवस्था के कारण से जेल मिली जाते हैं। तो वो भी शिक्षालय है कि हम अब गलत काम नहीं करेंगे। शिक्षा मिलती है कि जो व्यसन आदि करते हैं, स्मगलिंग आदि करते हैं, और जो आदि पाप कार्य करते रहते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुछ परिग्रह, उनके लिए जेल प्राप्त हो जाती है। तो जेल जाने से हमको शिक्षा मिले, ये कोई आवश्यक थोड़ी ना है। हम जहर खाएं तभी हमको पता है कि जहर जो विष होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हम अपने आप उसको देख कर भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमको जेल जाना ना पड़े, इसलिए पापों से बचे रहते हैं, और चंद्रगिरी में आकर के, गुरु चरणों में आकर के पुण्य का कार्य करते हैं। तो ये शिक्षालय जेल है। दूसरा जेल जो दूसरा शिक्षालय नाम आता है नरक। अब हम नरक तो खराब होते हैं, नरक तो हमेशा वहां पाप कार होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ते रहते हैं, शिक्षालय कैसे कहलाए? ये तो कहने की बात है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक गति, नरक का नरक आयु का आश्रय होता है, नरक गति में जाना पड़ता है। अब वहां पर हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, इतनी यातनाएं वहां हमेशा मिलती रहती हैं, चढ़ाने पड़ते नहीं पड़ते। तो
तो वो नरक की स्थिति देख करके भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है, नरक को हमको अब जाना नहीं है, क्योंकि बहुत आरंभ परिग्रह से नरक मिलते हैं, हमको कम आरंभ करना है, कम परिग्रह करना है और अपना काम चला करके अपनी आत्मा की उन्नति करना है। तो नरक भी वो शिक्षालय का काम कर रहे हैं, शिक्षा का आलय वहां से प्राप्त हो जाता है, हमको वहां शिक्षा मिल जाती है। अब तीसरी वस्तु आती है, वो है अस्पताल। अस्पताल भी शिक्षालय है, नई बात पता नहीं बने, नई बात है ना, कि वहां भी शिक्षा मिलती है। कैसे मिलती है? कि अस्पताल कौन जाता है? जिसका खान पान खराब होता है, जो टाइम बे टाइम भोजन आदि करते हैं, नशा आदि वस्तुओं का सेवन करते हैं, जो कि मांसाहार का सेवन करते हैं, तो उनके शरीर के अंग भी खराब हो जाते हैं, कुछ तकलीफ हो जाती है, तो अस्पताल जाना पड़ता है। तो वो अस्पताल भर्ती हुआ, क्योंकि क्यों भर्ती हुआ? उसने ऐसी नशीली वस्तुओं का, खराब वस्तुओं का सेवन किया था, तो वो शिक्षालय का काम कर रहे हैं कि हमको नशीली वस्तु सेवन नहीं करना है, अपनी दिनचर्या सही समय पर रखना है, उठना बैठना, तो वो हम शिक्षा काम कर रहे हैं। और अस्पताल जाने के लिए ऐसे भी होता है, यदि आप रॉन्ग साइड चल रहे हो, गलत दिशा में चल रहे हो, सामान आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होना चाहिए उसे ज़्यादा आप मात्रा में स्पीड चल रहे हो और गाड़ी लहराते हुए चल रहे हो, नशीली अवस्था में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद में अस्पताल भर्ती होना पड़ता है। अब ये बात अलग है कि अपने कर्म के वजह से भी ऐसा होता है कि अपने उदय आ जाता है, कोई नशा से हम सही दिशा में चल भी रहे हों, पैदल चल भी रहे हों, कई बार नशा में गाड़ी चालक भी अपनी गाड़ी चला देता है, तो हमको भी अस्पताल जाना पड़ता है। तीव्र कर्म का स्वयं का उदय भी होता तब भी हमको अस्पताल जाना पड़ता है। और यदि लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, खून खराबा हो जाता है, तब भी अस्पताल में जाना पड़ता है। तो वो भी शिक्षालय का काम करते हैं कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से अस्पताल चोट लगेगी, खून होगा, निकलेगा, परेशानी होगी, हड्डी टूट जाएगी, तो हमको फिर वहां पर जाना पड़ेगा। और एक चौथी वस्तु और आपको बताते हैं, शिक्षालय के नाम पर नदी होती है। नदी अपने हिसाब से बहती रहती है, सामने पहाड़ भी आ जाते हैं, तब भी वह अपनी रास्ता को चलना बंद नहीं करती है, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, उसकी यात्रा तो आवाज गति से चलती रहती है, और चलते का चलते अपने सागर में जाकर के वह मिल जाती है। कभी अपना रास्ता मोड़ तो देगी कभी परिस्थिति बस, लेकिन अपने रास्ते समझौता कभी नहीं करती है। जैसा भी कवि महोदय ने बताया कि गुरुदेव ऐसे बहते पानी जैसे हैं, ऐसे संत हैं कि समझौता नहीं करते हैं, समस्या को भी अपने जीवन का हिस्सा समझते हैं। और वही जीवन सफल होता है जो समस्या को अपने जीवन का हिस्सा मान के चलता है। ये शिक्षालय चार होते हैं। कल जब परसों चर्चा चल रही थी पास में, और चल रही थी ईडी, ईडी क्या कहलाता है, अब ज्यादा हम लोग जानते नहीं थे, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे समय के हैं, अभी के कुछ सही नहीं है, वो जानते समझते नहीं है ईडी क्या होती है। हम इस चर्चा कर रहे थे, महाराज जी बैठे थे, एक दो श्राव भी बैठे थे, फिर एक आईटी भी होती है, एक ईडी होता है, एक आईटी होता है, और एक होता है सीबीआई भी होता है। सबके छापे पड़ते हैं, सबकी रेड पड़ती है, इन सबकी रेड में अंतर क्या है, इन सबके छापे में अंतर क्या है? ईडी, आईटी इनकम टैक्स और सीबीआई, सबके छावे पढ़ते नहीं पढ़ते ना, सब में डर रहता है। तो शिक्षालय ये भी कहलाएंगे क्या? ये भी शिक्षा के आलय कहलाएंगे कि हमें छापे ना पड़े, हमारे लिए हमारी इज्जत ना जाए। तो इनमें अंतर क्या है कि ईडी में और आईटी में क्या अंतर है? आचार्य सुन रहे थे परसों सी बात है, तो आचार्य ने बहुत अच्छी इसका जवाब दिया, सुनना चाहते आप? कि ईडी में आईटी में और ईडी में क्या अंतर है? इनकम टैक्स के छापे पड़ते उसमें क्या अंतर है, और ईडी जो होती है उसमें क्या अंतर है? तो आचार्य जी ने कहा, जैसे रोगों के परीक्षण के लिए जांच होती है ना, एक होता है सीटी स्कैन और एक होता है एमआरआई। तो जो अंतर सीटी स्कैन में और एमआरआई में अंतर है, वही अंतर आईटी और ईडी में अंतर है। कर्मों के छापे पड़ते रहेंगे, कर्म प्रसाद काम करते रहेंगे, लेकिन आज संकेत अच्छा दिख रहा है, प्रकृति साथ में है, पृथ्वी जल, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वह का है, वनस्पति,
सब एक प्रफुल्लता है, सब मानव जीवन प्रफुल्लता है कि हमारे गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। क्योंकि विपत्ति आती है तो संपत्ति लेके ही आती है, इसलिए विपत्ति घबराना इस महापुरुषों के लिए, महापुरुष होते हैं विपत्ति को भी अपना संपत्ति समझते हैं। हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमको यहाँ से गुरु के चरण मिले, आश्रय मिला, उनके दर्शन करने का सब सौभाग्य मिला है। ये हम शिक्षा लेंगे कि हमको समस्याओं में भी हमको अपनी आप में सहज में रहना है, और हमारे लिए विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। कब बन जाती है? जब हमारी क्षमता परिणाम होते हैं, तो ऐसा संयुक्त तो मिलता रहता है। रोग आते हैं और चले जाते हैं, मेहमान तो मेहमान ही होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। हमने जिन आपको बताया था, हमने कहा आचार्य श्री मेहमान आया है तो मेहमान भी चला जाएगा। तब आचार्य श्री ने एक आध्यात्मिक बात बोली थी, कितनी गहरी बात बोली थी। आचार्य श्री ने कहा था, मेहमान को बुलाने वाला कौन? हमने स्वयं मेहमान को बुलाया है। हमारे जो कर्म रहते हैं वही सब कुछ हमारे मेहमान होते हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारे पाप कर्म है, पूरे कर्म वो अपने आप फल देते हैं। ये तो साधक की विशुद्धि होती है कि बड़े से बड़े असाधक कर्म भी छोटे रूप में होकर के निकल जाता है। बोलिए, अहिंसा परमो धर्म की जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे। हे जनवाणी भारती तो जप जो तेरो शरणागये सुपावे सु कायुष।